मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की दो तीन खबरें हैं और महत्वपूर्ण हैं। एक खबर है कि कतर में हमारे जो नौ भारतीय हैं उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। और ये भारतीय कौन है? ये हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। ये कतर में काम करते थे एक निजी कंपनी में और इनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आज उनको कतर की अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी। इन पर आरोप है कि इन्होंने इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन हमारे नौ सैनिक इसराइल के लिए क्यों जासूसी करेंगे? उनका केस लड़ा गया, 1.5 साल से केस चल रहा था और आज फाइनल हियरिंग हुई। तो आज भारत ने अपनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने कहा कि यह शॉकिंग है और हम जितने भी हमारे कानूनी पहलू हैं उन सबको उठाया जाएगा, क्योंकि हमारा एक एक नागरिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने देश को अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, तो इसलिए उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि किस लेवल पर ये होता है, क्योंकि कतर के और भारत के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, कोई ख़राब रिलेशन नहीं है। लेकिन चूँकि अभी यूक्रेन वॉर और आपका जो इसराइल और फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि उसका असर भारत पर पड़े, क्योंकि भारत खुले तौर पर इसराइल की को समर्थन कर रहा है। तो जो अरब देश है उनको थोड़ी सी दिक्कत है इससे। अरब देश कहते हैं कि इसराइल अन्याय कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, तो इसलिए वो थोड़ा सा उन देशों से नाराज़ है, खफा है जो इसराइल के साथ है। तो हो सकता है कि इसका कोई रिपरकेशन, कोई ऐसा इस फैसले के पीछे कुछ ऐसा दिख रहा हो। लेकिन जो भी होगा, आज भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसका ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, यानी जब ये अपील में जाएंगे भारत के लोग, और भारत सरकार उनको ज़रूर मदद करेगी, जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर, क्योंकि ये तो कहीं प्रूफ नहीं होता कि कोई अगर दुबई में, कतर में, या बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग हैं कतर में, अकेले 25 लाख लोग काम करते हैं भारत के, तो ऐसे तो इसका मतलब थोड़ी कि वहाँ भारत के लोग जासूसी करने गए, नौकरी करने के लिए गए। तो जो भी होगा उसके हम आगे बात करेंगे। और मित्रों आज एक और ऐसा ही एक सवाल है दुबई से जुड़ा हुआ, कि भारत की जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, महुआ मोइत्रा, उनके जो एक दोस्त, एक्स दोस्त कह सकेंगे, उनके पुराने मित्र हैं उद्योगपति बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, उन्होंने उनके सरकारी अकाउंट जो NIC का है लोकसभा का, वहाँ से उन्होंने दुबई से उसे एक्सेस किया और महुआ मोइत्रा के बदले अडानी के खिलाफ सवाल पूछे। और निशिकांत दुबे ने, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक शिकायत की लोकसभा अध्यक्ष को कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के नियत से सवाल पूछे गए हैं। और जो 61 सवाल मोइत्रा ने पूछे थे उसमें से 50 अडानी से रिलेटेड हैं, और इसमें दर्शन हीरानंदानी की मदद ली गई थी कि अडानी से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं अडानी के खिलाफ। तो एक एफिडेविट इशू हुआ था जिसमें हीरानंदानी ने साइन किए हुए थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस बात को कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट दिए थे और उनके लिए उन्होंने सवाल पूछे थे अडानी के लिए, वो दबाव डालती थी और अगर उनका कहना न मानो तो धमकी देती थी। इस तरह से उन्होंने एक एफिडेविट दिया जिससे महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं, उनके नाम से नहीं, ये झूठा है। तो आज जो आचार संहिता है, जो एथिक्स कमेटी है लोकसभा की, लोकसभा अध्यक्ष ने ये मामले को वहाँ डाल दिया था। तो आज उन्होंने निशिकांत दुबे और देहाद्रई, जो आनंद देहाद्रई हैं अधिवक्ता जिन्होंने केस किया ये महुआ मोइत्रा पर, तो उनको दोनों को आज बुला के उन्होंने आज अपने बयान दर्ज कराए, अपने साक्ष्य पेश किए कि वो किस बेस पर वो कह रहे। तो आज निशिकांत दुबे ने कहा कि डॉक्यूमेंट झूठे नहीं बोलते हैं, वाकई अगर जो दुबई से अगर वो एक्सेस हुआ है तो रिकॉर्ड में होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कोई चीज़ छुपती नहीं है। और जो आचार संहिता के अध्यक्ष हैं विजय सोनकर, उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्रालय और IT मिनिस्ट्री की मदद लेंगे, क्योंकि वही बता सकते हैं कि एक्सेस कहाँ से कैसे हुआ, क्योंकि NIC जो है वो IT मिनिस्ट्री के अधीन में, और गृह मंत्रालय चूँकि सुरक्षा
गृह मंत्रालय के अधीन है तो वो इसमें मदद कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि महुआ मोहतरा इसमें घिर गई हैं और 31 अक्टूबर को महुआ मोहतरा को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। तो वो 31 अक्टूबर को जाएंगी और फिर उसके बाद इस पर आगे सुनवाई होगी। तो एथिक्स कमेटी इसमें क्या निर्णय लेती है और अगर प्रूफ हो गया तो महुआ मोहतरा की मेंबरशिप चली जाएगी, उनकी लोकसभा की सदस्यता जाएगी। और ये भी हो सकता है उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाए क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला भी बनता है। और इसमें तृणमूल कांग्रेस साइलेंट है, तृणमूल कांग्रेस ने इसमें पल्ला झाड़ दिया क्योंकि ये कुछ ऐसा मामला बन रहा है कि जो ऐसा कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है कि अडानी को टारगेट कर करके सवाल पूछे गए थे, यानी पैसे लेकर सवाल पूछे गए, ये बात हो रही है। तो इस पर भी सवाल आने वाला है। और मित्रों, इसके अलावा लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं। इन चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी उनका जो गांव है खूंटी में झारखंड में, और उसको जनजातीय गौरव दिवस प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, तो उसी दिन 15 नवंबर को ही भारत विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी और देश के 255 पंचायतों में जाएगी। और वहाँ मोदी सरकार ने क्या काम किए, उनके जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको किसको लाभ हुआ, जिनको नहीं हुआ उनको कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताएंगे। तो वो एक यात्रा होगी, लेकिन ये यात्रा प्रचार ज़्यादा होगी इसमें, और इसलिए आज सूचना प्रसारण सचिव जो अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार करती है और बिल्कुल सही बात है। इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक जो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था DFP और DAVP, और उसके बाद अब उसको एक और डिपार्टमेंट बन गया है, उसको बोलते हैं CBC। तो इसका ब्यूरो ऑफ आउटरीच और उसका नाम अब हो गया कम्युनिकेशन ब्यूरो, और ये इसका काम ही यही है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार करना। तो वो प्रचार 15 नवंबर से शुरू होगा जो 25 जनवरी तक चलेगा। गांव में 2500 वैन जाएंगे और शहरों में जो करीबन 3700 लोकल निकाय हैं 14,000 जगह पर जाएंगे, उसमें 200 वैन जाएंगे। हालांकि इसको कांग्रेस ने कहा कि ये रथ यात्रा है, लेकिन सरकार ने कहा कि ये रथ यात्रा नहीं, ये IEC वैन होंगे जिसमें सरकार की सूचना होगी, इसमें TV लगे होंगे, इसमें प्रिंटेड मटेरियल होगा, ऑडियो विजुअल होगा, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा मित्रों, आज चूँकि चुनाव का माहौल है देश में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और आज ED ने एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजकर बुलाया है, उन पर आरोप है PMLA के तहत पैसा का फ्रॉड करने का आरोप है, तो उस पर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया। और दूसरा जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है उनको भी आज उनके यहाँ छापेमारी की गई, उनके जयपुर ठिकानों पर, सीकर के ठिकानों पर और दौसा में जहाँ जहाँ उनके ऑफिस थे वहाँ छापेमारी की गई, और उन पर आरोप है कि प्रश्न पत्र लीक जो राजस्थान में हुआ था वो उनके जरिए हुआ था, उन्होंने लीक किया था और उसमें PMLA का केस दर्ज हुआ है। हालांकि इसकी बड़ी आलोचना हो रही है कि चुनाव के समय इस तरह से ED को एक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव एक लोकतंत्र का जश्न होता है, त्यौहार होता है, तो उसमें चुनाव को निपटने दो, अभी कुल मिला के 1 महीने की और बात है, तो उसके बाद आप जो करना कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ और उसके बाद BJP ने भी उससे सफाई दी कि जो घपला हुआ है उस घपले की जांच तो होनी चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई अगर आप किसी टॉपिक पर उससे बात करना चाहें तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।